मोस्टली आई हाईली डाउट कि मिलेगा मेरे को। बाबा कहानी में आ गया एक अलग ही मोड़, आएगा कि नहीं आएगा पता तो नहीं है। क्यों बाबा, सर छोटा मोटा गलती बहुत बड़ा ये कांड कर जाता है। कहाँ जाने का है भाई, इसको मेरे से ज़्यादा जल्दी है। बाबा नया दिन नई शुरुआत नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माइंड योर चैनल एड होलिक ब्लॉग्स। 18-20 दिन हो गया यार वीडियो बना के। बेचारे बाबा लोग पूछे जा रहे हैं कब डाल रहा भाई वीडियो, कितना टाइम पास कर रहा है। थोड़ा काम था बाबा, समझो क्या कर सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी ज़्यादा ही खाली रहती है, कभी कभी ज़्यादा ही बिजी हो जाती है, तो दोनों तरह से जो है एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। और बारिश में बेंगलोर में 2 दिन से बारिश हो रहा है। मौसम है समझ में नहीं आता, बारिश अब क्यों, साइक्लोन ख़त्म हो गया, कोरोना वापस आ रहा है, वो बात सुने कि नहीं, अलग ही मजाक है। 2023 एंटर कर रहे हैं और 2020 के सपने वापस आ रहा है। आज भी देखो पूरा क्लाउडी क्लाउडी है, थोड़ा खुला 20% आसमान खुला है, बाकी फुल क्लाउडी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मड़ीवाड़ा, अंबा बजाज मड़ीवाड़ा। अब बजाज शोरूम जा रहा हूँ तो आप लोग भी होशियार हो ही समझ ही जाओगे कुछ ना कुछ खरीदने ही जा रहा है। ख़रीदने तो जा रहा हूँ ठीक है, पर ज़िंदगी से मैंने ज़्यादा कुछ मांगा नहीं। पहले मांगता था, अभी ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ। बस एक 200-250 रुपए का केबल ही तो मांग रहा हूँ बाबा, वो भी नहीं मिल रहा है। एक्सेलेटर केबल चाहिए बाप। अभी जाना है कहीं तो जाना है, बीदर को जाना, कहीं तो नहीं बीदर को ही जाना है। तो अभी 700 किलोमीटर चलाऊंगा, ये एक्सेलेटर केबल स्ट्रक हो रहा है। आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स लाइक लास्ट टाइम एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम बीदर टू बेंगलोर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देखो, उसका अलग ही सीन है, पेट्रोल पंप पे सोना पड़ गया। वैसा कुछ मगजमारी चाहिए नहीं, तो इसीलिए तो 2 हफ्ता हो गया मेरे को ढूंढते ढूंढते 2 हफ्ता। एक एक्सेलेटर केबल इतना मेन, NS200 का नहीं चाहिए, डोमिनार का चाहिए। अब मैं इंटरनेट पे भी बहुत सर्च किया, कोई अलग ऑप्शन है क्या इसका, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि लोग क्या है, C2 मोटो के पार्ट से ज़्यादातर हैंडल मॉडिफिकेशन किए नहीं है, जो भी किए हैं नॉर्मल अपना ड्रिलिंग करके वो सब किए हैं, तो उनका एक्सेलेटर केबल ठीक ही है, ज़्यादा खींच वींच नहीं रहा है। जो जो C2 मोटो वाला पार्ट लगाए हैं या ज़्यादा ही ऊपर उठा दिए, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब पता नहीं, जो भी है सही है तो नहीं बोलूँगा, पर क्या कर सकते हैं, जो भी है ज़िंदगी है। मोस्टली आई हाईली डाउट कि मिलेगा मेरे को, फिर भी शंभू का नाम लेके चल तो दिया हूँ, मिल तो जाना चाहिए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो एज ऑलवेज काम चलाना पड़ेगा। ज़्यादा दूर तो नहीं है मड़ीवाड़ा, बाकी अभी अगर इधर नहीं मिलेगा तो और एक शोरूम है उधर जाना पड़ेगा, जहाँ से मैंने ड्यूक का हैंडल ख़रीदा था, इंदिरा नगर जाना पड़ेगा। इंदिरा नगर थोड़ा बहुत दूर है इधर से, अराउंड 7-7.5 किलोमीटर्स है। और ये दिक्कत कोई नहीं है, ये बस बारिश का दिक्कत है। बारिश नहीं आता, इतने दिन धूप था, मेरे को काम नहीं था पर धूप था, अभी काम है बारिश आ रहा। और एक पार्ट भी डैमेज हो गया गाड़ी का, अभी क्या है मैं पूछ के आता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ क्या सीन है। बाबा कहानी में आ गया एक अलग ही मोड़, अलग ही ट्विस्ट आते रहते मेरे ज़िंदगी में। अभी क्या बोल रहा है, बाजार शोरूम में पूछा जाके मैं, अच्छा है हेल्प तो किया कम से कम, तो वो बोले भाई डामिनार का केबल लगाने का कोई मतलब नहीं है, या तो हाइट सेम है या फिर लगेगा ही नहीं। वो बोल रहे हैं गो फॉर KTM ड्यूक 200 एक्सेलेटर केबल। अभी KTM शोरूम जाऊंगा मैं, उधर पूछ के आना, ख़रीदने से पहले अच्छा होगा कि पूछ लूँ अपने जो गैरेज में देता हूँ मैं बाइक रिपेयर को हमेशा, तो उधर एक बार अगर पूछ लूँगा तो अच्छा रहेगा। अभी बिदर जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा लंबा राइड है, अराउंड 700-800 किलोमीटर्स का, तो एक करके नए नए खर्चे ही आ रहे हैं। अभी गैरेज में देखते हैं क्या सीन होता है, इधर क्या एक्सीडेंट हो गया क्या, ठुक गया लग रहा है, यस ठुक गया।
हाँ तो बोल रहा था गैरेज में जाके डिस्कशन करके आपके साथ भी डिस्कशन किया जाएगा, क्या खरे क्या नहीं, क्या करना सही है। बाबा कल शाम को ब्लॉग तो करने वाला था मैं, पर क्या हुआ इंदिरानगर जा रहा था तो बारिश आ गया, तो इसीलिए पैंडा को इधर ही छोड़ के जो है ऑटो बुक करके गया मैं। ऑटो बुक करके गए इंदिरानगर, तो उधर KTM में पूछा मैं, KTM में 200 का एक्सलेटर वायर दे दो बोल के। वो पूछे कौन सा मॉडल, मैं बोला भाई BS6 मॉडल। वो बोले नहीं नहीं BS6 नहीं, ईयर बताओ, ईयर कौन सा मॉडल। मैं बोला ईयर में क्या फ़र्क पड़ेगा। बोले नहीं भाई एक्सलेटर केबल्स मॉडल के हिसाब से अलग रहते। मैं बोला ईयर का मॉडल मेरे को तो आइडिया नहीं है, तो मैं उनको साफ साफ बोल दिया NS200 को डालना है भाई, हैंडल ऐसा ऐसा चेंज किया है और एक्सलेटर केबल स्ट्रक हो रहा है। तो बोले देखो भाई देने को तो हम दे देंगे पर रिटर्न पॉलिसी नहीं है, अगर नहीं बैठेगा तो वो आपका लॉस है। बोला आपका लॉस है, एक ऐसा बात हो गया। फिर वो प्लान कैंसिल किया मैं, और एक क्या बोलते हैं MC मास्टर किट इसको क्या तो बोलते हैं यार, ये जो फ्रंट ब्रेक का रहता है ना रबर कॉर्क, उसका एक किट रहता है छोटा सा, वो चला गया था तो वो एक लिया। फिर बजाज शोरूम उसके नीचे ही है, KTM सेकंड फ्लोर पे, बजाज फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे गया और बजाज वालों को पूछा। वो भाई बहुत हेल्पफुल था स्पेयर पार्ट वाले, तो उनको पूछा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है भाई एक्सलेटर केबल चाहिए, तो बोले रुको एक बार देखता हूँ। तो वो देखे बेचारे, कंपेयर किए NS200 और बजाज डोमिनार का केबल डिफरेंस है कि नहीं, उनके पास एक्स्ट्रा केबल से शायद, तो वो चेक किए तो कुछ 2-3 mm का लेंथ ज़्यादा था डोमिनार का। तो मैं बोला अब आएगा कि नहीं आएगा पता तो नहीं है। बोले देखो भाई ट्राई कर लो एक बार, नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं सकते। मैं पूछा उनको भी रिटर्न पॉलिसी है क्या, वो भी बोले नहीं रिटर्न पॉलिसी तो नहीं है हमारे पास, वो फिर भी ठीक है बोल के ले लिया मैं। वो लेने के बाद आके बिठाया बैठ गया, वो ठीक है। बाकी एक स्कैम क्या हुआ, अब मैं जो मास्टर किट या क्या तो बोलते हैं उसको, ये जो रबर कॉर्क है ना, तो उसको वो जो किट लिया था वो लोग दे दिए 220F का। क्यों बाबा, सर छोटा मोटा गलती बहुत बड़ा ये कांड कर जाता है, पर कोई नहीं, वो बेचारे बहुत हेल्पफुल थे, 200 NS का दे देते तो अच्छा रहता, 220 का दिया इसलिए फिट नहीं हो पाया। जो रबर कॉर्क आता है वो नया बिठा है, बाकी अंदर का जो प्लास्टिक किट रहता है वो पुराना ही है। तो इतना सब कलाकारी होने के बाद गाड़ी फाइनली रेडी है, फाइनली गाड़ी फुल रेडी है, और एक पार्ट बचा हुआ है। अरे दादा वो जो मड़गाड़ है, मड़गाड़ रूम पे ही है, उसको डलवाना है आज शाम को, उसको डलवा के वॉशिंग करवा लूँगा। वॉशिंग भी ज़रूरी है ना, मेरे पास चेन स्प्रे भी नहीं है, तो पूरा चेन क्लीन, चेन स्प्रे सभी कराना पड़ेगा, ज़रूरी है बाबा। और कुछ अलग टाइप का वीडियो था, पर उसके लिए 2 GoPro चाहिए, और भी इधर मैं ट्राई करूँगा। कहाँ जाने का है भाई, इसको मेरे से ज़्यादा जल्दी है। तो मिलते हैं बाबा अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लिव लाफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।